Yes, hello everyone. This is Umesh Chaudhary. RMS 2024, December 2024 में होने वाले एग्जाम के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकल गए हैं। उस फॉर्म को फिल करने के लिए उसको सिंपल स्टेप में अपन समझते हैं कि उस फॉर्म को कैसे फिल किया जा सकता है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। इसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ये क्लास का ऑप्शन अच्छे से फिल करना है। फॉर क्लास सिक्स स्टैंडर्ड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं या नाइन्थ स्टैंडर्ड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो इसको ध्यान रखना है अपने को। नेम ऑफ स्टूडेंट्स आप फिल कर देंगे, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ठीक है। जेंडर मेल और फीमेल, थोड़ा ध्यान रखें जेंडर से ही फिल करें। DOB, ये यहाँ पर ये स्टार लगा रहा हूँ, ये ध्यान रखना है आपका जो डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड में है या बर्थ सर्टिफिकेट में है वही DOB फिल करें। अदर कोई भी DOB आप फिल करके एक बार फॉर्म तो फिल कर लेंगे बट बच्चा एग्जाम फाइनली नहीं दे पाएगा क्योंकि पेपर भी ऑनलाइन होने वाला है, तो DOB वही फिल करें जो रियल में है। और मोबाइल नंबर और email ID ये रनिंग रहने चाहिए, आपका मोबाइल ऑन रहना चाहिए, वो सिम चालू रहे और आपका email ID भी वर्किंग पे हो, ठीक है। ध्यान रहे क्योंकि इन पर आपको OTP जनरेट होंगे, वो OTP आएंगे, वो OTP डालोगे देन आपकी फर्दर प्रोसेस होगी। और एडमिशन फॉर्म के बाद जब आपके एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड आता है तो एडमिट कार्ड भी यही मोबाइल नंबर और email ID आप लगाते हैं और एक एप्लीकेशन नंबर लगाते हैं तो आप एडमिट कार्ड जनरेट कर पाएंगे, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम्स फेस होगी। तो ध्यान रहे जिनको मैंने रेड कलर किया है ये तीनों चीजों को आपको बहुत ही ध्यान रखना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी अच्छे से फिल करें, सिविलियन और डिफेंस। डिफेंस में ध्यान रहे JCO OR, आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ये तीनों के तीनों डिफेंस कैटेगरी में काउंट होंगे। कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर मेरा फादर पुलिस में है, BSF में है, CRPF में है, तो उनके लिए कैटेगरी क्या रहेगी, तो वो सिविल कैटेगरी में ही काउंट होंगे। ये ध्यान रहे जिनके पेरेंट्स, जिस बच्चे के पेरेंट्स BSF में है, पेरेंट्स मीन्स फादर BSF में है, CRPF में है या पुलिस में, तो वो सिविल कैटेगरी में काउंट होंगे। और जिसके फादर आर्मी, एयरफोर्स या नेवी में है और JCO OR रैंक पे हैं तो वो डिफेंस कैटेगरी में काउंट होंगे। और जिनके फादर ऑफिसर्स हैं, इट मीन्स अगर कर्नल हैं, ब्रिगेडियर हैं या कैप्टन हैं, मेजर हैं या कोई विंग कमांडर हैं, ठीक है, वो किस में काउंट होंगे, वो ऑफिसर्स रैंक में आएंगे और उनको डिफेंस का कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। डिफेंस में ध्यान है आर्मी, एयरफोर्स या नेवी के, जिनके फादर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में हैं और JCO OR रैंक पे हैं तो वो डिफेंस कैटेगरी में काउंट होंगे। नेक्स्ट अपना है सब कैटेगरी। सब कैटेगरी किस कैटेगरी में आप आते हैं, जनरल में आते हैं या OBC नॉन क्रिमिलेयर। OBC नॉन क्रिमिलेयर क्या होता है, OBC नॉन क्रिमिलेयर जिनकी इनकम बिलो 8 लाख है, जिनके फादर की इनकम 8 लाख से कम है, उन्हें OBC नॉन क्रिमिलेयर का एक सर्टिफिकेट मिलता है तो OBC नॉन क्रिमिलेयर में काउंट होंगे। SC और ST, SC ST, ये चार कैटेगरी है, जिनकी इनकम 8 लाख से अबो होगी वो किस कैटेगरी में काउंट होंगे, जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। तो आपके पास कैटेगरीज हो गई जनरल, OBC, SC, ST, ध्यान रखें तो अपने को फिल करनी रहेगी। चॉइस फिलिंग नेक्स्ट स्टेप जो आपका है इसमें वो चॉइस फिलिंग का है। चॉइस फिलिंग में आपको 5 RMS स्कूल है तो पूरी 5 की 5 मिलिट्री स्कूल चूज करनी होती है, वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मे बी सभी को RMS बेंगलुरु चाहिए होता है, उसका काफी अच्छा लेवल है स्कूल का, तो अपने लेवल के अकॉर्डिंग ले, फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये स्कूल लेना है, सेकंड ये लेना है, थर्ड ये लेना है, फोर्थ ये लेना है, फिफ्थ ये लेना है, तो अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आप लें अपने बच्चे के लेवल के हिसाब से। देन आपको मेडिकल सेंटर्स भी 5 चूज करने हैं, इस बार कितने चूज करने हैं, 5 मेडिकल सेंटर जो भी आपके नियर बाई है, पूरी लिस्ट दी गई है तो 5 मेडिकल सेंटर आप उसमें चूज करें। एग्जाम सेंटर आपको 3 लेने हैं अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से, नियर बाई जो है वहां से लेकर आपको अभी तक एग्जाम सेंटर 3 फिल करने हैं, ध्यान रखें। और इंपॉर्टेंट चीज है कि अपलोड क्या करना है, इसके लिए अपलोड आपको क्या करना रहेगा, अपलोड करने के लिए आपको बच्चे का फोटो,
रिसेंट हो, और ध्यान रहे कि वही फोटो आपके पास सेव रहे, अपने पास उसको संभाल कर रखें, एग्जाम सेंटर पे लेके जानी होती है। और बच्चे का सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड का एक थंब भी लगता है और बच्चे का सिग्नेचर होता है। इसके अलावा आपको जो डॉक्यूमेंट्स है, और डॉक्यूमेंट्स अभी मैंने डिस्कस किया, ओबीसी एससी एसटी का, ओबीसी नॉन क्रिमिनल, एससी एसटी का सर्टिफिकेट आपको उस पर अपलोड करना रहता है। अगर आप ये डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते हैं, इट मीन्स आपको किस कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बहुत इजीली, बहुत इजी स्टेप्स में आप आरएमएस का फॉर्म फिल कर सकते हैं। यस, आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। आरएमएस, आरएएमसी, सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल से रिलेटेड किसी भी टाइप की कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन आती है, हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप हमसे कनेक्ट रहिए। जय हिंद, जय भारत।